एनाबेल डॉल की कहानियाँ तो हम सबने सुनी है, लेकिन ये कहानी एक ऐसे डॉल की है जो एनाबेल से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। कैसा? दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 116 साल पहले से, जब यूजीन नाम के एक लड़के को उसके दादाजी एक डॉल गिफ्ट करते हैं और यूजीन को वो डॉल बहुत पसंद आती है, जिसके कारण यूजीन दिन भर उस डॉल के साथ खेलता था, उसे बातें करता था और यहाँ तक कि वो रात को भी उसे अपने साथ ही लेकर सोता था। अबे साले। लेकिन जब यूजीन स्कूल चला जाता था तब उसके पड़ोसियों को वो डॉल उसकी खिड़की पर बैठी हुई दिखती थी और अचानक से गायब हो जाती थी, और जब भी यूजीन अपने स्कूल से घर आता उसे वो डॉल हमेशा अपने कबर्ड से बाहर मिलती, जबकि वो हमेशा उसे अपने कबर्ड में बंद करके जाता था। और दिन ब दिन उसके घर में पैरानॉर्मल घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उसके पेरेंट्स उस डॉल को एक म्यूजियम में दे देते हैं, लेकिन वो डॉल म्यूजियम में और ज्यादा आक्रामक हो जाती है और हर रोज वो अपने केस के साथ म्यूजियम की कई कीमती चीजों को फोड़ दिया करती थी, जिसके बाद म्यूजियम अथॉरिटी ने कई प्रीस्ट की मदद से उस डॉल को एक मजबूत केस में बंद करवा दिया। वैसे क्या आप इस डॉल को अपने साथ लेकर सोना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।